सलमान फारसी एक इस्लामिक इन्वायरमेंटल स्कूल है जहां इल्म की रोशनी है, साथ ही CBSE बेस्ड सिलेबस, वेल इक्विप्ड साइंस एंड कंप्यूटर लैब और क्वालिफाइड टीचर्स, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज सेक्शंस, एम्पल ऑफ प्लेग्राउंड विथ नेचुरल एनवायरमेंट और स्विमिंग पूल फॉर प्री स्कूल, स्पोकन इंग्लिश, नमाज, इस्लामिक सिलेबस फ्रॉम द बिगनिंग। अपने बच्चों को इस्लामिक माहौल और आला तालीम दें। आज ही एडमिशन ले रीजनेबल फीस के साथ। सलमान फारसी स्कूल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में पान टपरी पर कार्रवाई कर मनपा ने कई पान टपरियों को आज तोड़ दिया है। मुमरा मार्केट रेलवे स्टेशन के पास और शंकर मंदिर के नज़दीक ये कार्रवाई मनपा ने की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश के बाद ठाणे महानगर पालिका की तरफ से ठाणे महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले तमाम अवैध तरीके से बनाए गए बांध काम और मादक पदार्थ बेचने वाले हुक्का पार्लर और बार पर तोड़क कार्रवाई की आज शुरुआत की गई है। ठाणे शहर में भी बड़ी कार्रवाई हुई है। आज शुरुआत में ही करीब 20 से 25 हुक्का पार्लर बार पर कार्रवाई की गई है। ठाणे में ऐसे जहां जहां पर अवैध तरीके से हुक्का पार्लर और बार बनाए गए हैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। मादक पदार्थों का असर नौजवानों पर काफ़ी पड़ रहा है। स्कूल कॉलेजों के आसपास बने हुए हुक्का पार्लर और पान टपरियों पर कार्रवाई जारी है। मुमरा, ठाणा, कलवा और शीलफाटा ऐसे कई इलाकों पर जो है आज मनपा की तरफ से कार्रवाई जारी है। ये देखिए, ठाणे मंचल कॉरपोरेशन एरिया में जो हुक्का पार्लर्स है, पब्स है, लेडीज बार्स है, इसके बहुतांश हमारे पास ग्रीवेंसेस तकरार आई हुई थी। उसके हिसाब से उसका दखल लेते हुए और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय इनका जो डायरेक्शन है और माननीय आयुक्त महोदय इनके डायरेक्शन के हिसाब से आज आदरणीय सीपी सर इनके मार्गदर्शन के हिसाब से ठाणे महापालिका क्षेत्र में नव प्रभाग कार्य क्षेत्र में जितना भी हुक्का पार्लर है उसके ऊपर कार्रवाई शुरू की गई है। महापालिका पूरी क्षमता के साथ यहाँ पे उतरी हुई है। पूरे जो ऑफिसर सीनियर ऑफिसर्स है वो भी साथ में आए हुए, पुलिस प्रशासन पुलिस जॉइंट सीपी सर भी हमारे साथ में है, डीसीपी सर भी हमारे साथ में है, पूरी जो फील्ड की यंत्रणा है पूरी यंत्रणा और इसके साथ में साइड पे उतरी हुई है और ये पूरी कार्रवाई जैसे ही पान काम कंप्लीट होता है उसके हिसाब से चालू रहे। सर, इसके अलावा जो है पान शॉप जो है स्कूल के अंतर्गत आने वाला है उसकी कार्रवाई करने की उसमें किस तरीके से आप तक कार्रवाई करेंगे? उसमें हमने ऐसा किया हुआ है कि जो भी स्कूल कॉलेजेस है ठाणे मंडल कॉर्पोरेशन एरिया में उनके नज़दीक यानी कि 100 मीटर तक जितने भी पान शॉप्स है जिसमें टोबैको और उसके अलाइड प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं बेचे जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई आज भी शुरू की है। 9 प्रभाग में साइमल्टेनियसली कार्रवाई शुरू की गई है और कोई यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए कोई हानिकारक होगा ऐसा जो भी चीज़ दिखेगा तो प्रशासन उसके लिए सच्चाई से टोटल संख्या से उसके ऊपर कार्रवाई तालिका करने के बाद भी कहीं ना कहीं जगह प्रोसीजर शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सब चीज़ को नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई अधिक पिछले कुछ 6 महीना में अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई हुई है ऐसा नहीं, लेकिन जो भी बनका में हो रही है उसके ऊपर जो भी प्रोहिबिटरी का एक्शन ले रहा है वो प्रोहिबिटरी एक्शन बोर्ड ऑफिस से लेके उनको पूरा मैन पावर और मशीनरी देके वो चालू है और इसके आगे कोई बनकाम नहीं होगा और जो होगा तो जैसे ही बनकाम चालू होगा। मैं डिप्टी कमिश्नर गजानन गोदेपुरे और हेडक्वार्टर।